मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं इट्स नाउ प्रिटी क्लियर एंड एस्टेब्लिश इन अमेरिका That Mr. Adani has broken both American law and Indian law. Uh, he's been indicted in the United States. And I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand Chief Minister was arrested. Many, many people have been arrested. And Mr. Adani has done a apparently one 2,000 crore scam, multiple others probably. Uh, but he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Butch issue. We've been raising it.

तो सेफ है हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आ, अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को दो हज़ार करोड़ रुपए का स्कैम है हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है अमेरिका में क्राइम किया है ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए आज अरेस्ट होना चाहिए माधवी बुच जो हैं जो उनकी प्रोटेक्टर हैं जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया उनको हटाया जाना चाहिए उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है मैं जनता को कहना चाहता हूं आप नोट कीजिए स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का मगर मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं